पाकिस्तानी महिला आणि हिंदुस्तानी तरुण, त्यांच्या प्रेमाची ही सरहद पार अनोखी गदर कहाणी। हीच ती पाकिस्तानी विवाहित महिला सीमा हैदर। आपल्या चार मुलांसह ती भारतात पळून आली आहे। बिहार मध्ये राहणाऱ्या सचिन नावाच्या भारतीय प्रियकराशी तिने लग्न केलंय। त्यांच्या लग्नामुळे भारत आणि पाकिस्तानातही मोठी खळबळ उडाली आहे। ऑनलाइन गेम पबजी खेळता खेळता दोघांचं प्रेम जुळलं। नेपाळमध्ये जाऊन त्यांनी हिंदू पद्धतीनं गुपचूप लग्न केलं। त्यानंतर ती पुन्हा पाकिस्तानला गेली आणि चार मुलांना सोबत घेऊन नेपाळ मार्गे बिहारला आली। मात्र ती पाकिस्तानी असल्याचं रहस्य फार काळ टिकलं नाही। गैरमार्गानं भारतात परतलेल्या सीमाला आणि सचिनला पोलिसांनी अटक केली। तब्बल 5 दिवस त्यांना पोलीस कोठडीत डांबलं। आता दोघांची सुटका झालीय। मात्र सध्या भारत सोडून कुठेही जायचं नाही असं तिला बजावण्यात आलंय। कि साइन नाम से लिया कि अगर आप कहीं बाहर जाओगे तो इन्फॉर्म करे बगैर नहीं जा सकते। और मैं खुद ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे पाकिस्तानी लोग वापस बुलाएंगे पर मैं नहीं जाना चाहती सर, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। मेरे पति यही हैं और वो हैदर जो है वो बकवास कर रहा है। मैं उनके पास बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। और अगर बच्चे जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं नहीं जाऊँगी सर, मैं वहाँ गई तो मुझे जान से मार देंगे। सचिनचं अख्खं कुटुंब या पाकिस्तानी महिलेच्या पाठीशी आहे। आपण हिंदू धर्म स्वीकारलाय, गंगेत स्नान करून आपण लवकरच सचिन सोबत कोर्ट मॅरेज करणार आहोत असंही तिनं स्पष्ट केलंय। उन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग भरी, पर वहाँ भी पशुपतिनाथ मंदिर है वहीं पर सर। उसके बाद फिर मैं वापस चली गई। मेरे बच्चे घर पे थे, पीछे पाकिस्तान में थे। वे चलते चलते मुझे मतलब इंस्टाग्राम में जिमनी ट्रेवल ऑनलाइन का मिला, मुझे लिंक मिली तो मैंने उनसे कॉन्टेक्ट करा। तो उन्होंने मुझे सस्ती टिकट दे दी 6 लाख में, 4-5 टिकट 6 लाख में दे दी। तब मैं चली गई सर 10 मई को। दरम्यान आपली पत्नी सीमा भारतात पळाल्याची खबर तिचा नवरा गुलाम हैदरला लागली। तिनं पाकिस्तानला परतावं अशी त्याची इच्छा आहे। मात्र काहीही झालं तरी आता पुन्हा पाकिस्तानला परत जाणार नाही असं सीमाचं म्हणणं आहे। मैं वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। ये मैं पहले दिन से सब जितने मेरे पास आए ना पूछताछ के लिए सबसे मैंने एक ही रिक्वेस्ट करी है, जहाँ रखोगे मैं रहूँगी, जैसे रखोगे मैं रहूँगी, बस सचिन और बच्चे मेरे साथ हों। मैं वापस नहीं जाना चाहती सर, किसी भी कीमत में मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे वापस ना भेजें। लव जिहादच्या अगदी उलट असलेली गदर सिनेमाच्या कहाणीसारखीच सचिन आणि सीमाचीही लव स्टोरी। मात्र ती खरंच लव स्टोरी आहे की यामागे आणखी काही वेगळं आहे अशा शंका घेतल्या जात आहेत। हे सगळं प्रकरण एका पाकिस्तानी महिलेशी संबंधित असल्यानं सुरक्षा यंत्रणाही सतर्क झाल्यात। या सरहदपारवाल्या लव स्टोरीचा शेवट काय होणार याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे। प्रमोद शर्मासह ब्युरो रिपोर्ट, Zee24 तास। आई भवानीचा गजर म्हणजे Zee24 तास।